प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवमं रायसीना संवादं उद्घाटयेत्। ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस भवेत् मुख्य अतिथि मुख्यवक्ता च। दिवसत्रयं यावत् वैश्विक प्रकरणेषु भवेत् मंथनम्। ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस इत्यसौ अद्य प्रधानमंत्रिणा मोदिना सह कुर्यात् द्विपक्षीयां वार्तां। देशयोः मिथः रणनीति सहभागितां दृढीकर्तुं भवेत् चर्चा। केन्द्र प्रशासनेन प्रदर्शनकारी कृषकाः शान्तिस्थापनाय प्रार्थिताः। पंजाब आरक्षि महानिदेशकः शंभु खनौरी सीमाभ्याम क्रेन भूखनन प्रभृतीनि बृहद् यंत्राणि अपसारयितुम् आदिष्टवान्। पाकिस्तान देशे नूतन प्रशासन संघटनस्य मार्गः प्रशस्तः। बिलावल भुट्टो इत्यस्य पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अथ नवाज शरीफ इत्यस्य मुस्लिम लीग इत्यनयोः दलयोः परस्परं सहमतिः। शहबाज शरीफः भविष्यति प्रधानमंत्री, तत्रैव आसिफ अली जरदारी इत्येषः राष्ट्रपतिः भवेत्। एफआईएच हॉकी प्रो लीग इत्यत्र अद्य भारतीय पुरुष हॉकी दलस्य साम्मुख्यं नीदरलैंड्स दलेन सह। भारतीय दलेन इतः पूर्वं खेलितायां स्पर्धायां स्पेन दलं पराभूतम् आसीत्। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इत्यस्य चतुर्थ संस्करणस्य आरंभाय सिद्धं गुलमर्गस्थलम्। क्रीडकाः स्नोबोर्डिंग अल्पाइन स्की इत्येतासु क्रीडासु प्रतिभां प्रदर्शयेयुः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां नवमं रायसीना संवाद संस्करणम् उद्घाटयेत्। अत्र कार्यक्रमे ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस इत्येषः मुख्य अतिथिः मुख्य वक्ता च भवेत्। त्रिदिनात्मके अत्र रायसीना डायलॉग इति कार्यक्रमे केन्द्रीय मंत्री पूर्वराष्ट्राध्यक्षः अथ प्रशासनस्य प्रमुखाः उद्योगजगतः प्रमुखाः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। अवधेयं यत् एतस्मिन् संवादे शतदेशानां प्रतिनिधयः प्रौद्योगिकी शिक्षा पत्रकार रणनीतिप्रकरणेषु विचारं करिष्यन्ति। ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री चतुर्दिनात्मिकीम् आधिकारिक यात्रायाम् उद्दिश्य गतदिने नवदिल्लीं प्राप्तवान्। विदेश राज्य मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी विमानपत्तन स्थले तदीयं स्वागतं समाचरितवती। ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्री प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं अद्य द्विपक्षीयाः वार्ताः अपि समाचरेत्। तत्रैव मोदी ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्रिणः सम्मानने मध्याह्न भोजनम् अपि आयोजयेत्। अवधेयं यत् ग्रीस देशस्य प्रधानमंत्रिणा समं वरिष्ठाधिकारिणः अथ उच्चस्तरीयम् एकं व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलमपि भारतं समागतमस्ति। अद्य राष्ट्रपति भवने तदीयं स्वागतं समाचरेत्। ध्येयं यत् 15 वर्षानन्तरं ग्रीस देशस्य प्रधानमन्त्रिणः एषा प्रथमा यात्रा अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीये जम्मू यात्रावधौ 32,000 करोड़ अपि अधिक राशेः अनेकासां विकास परियोजनानां उद्घाटनं लोकार्पणं शिलान्यासं च कृतवान्। अत्रांतरे प्रधानमंत्री देशे शिक्षा क्षेत्रस्य इतोपि उत्कर्षतां ध्यात्वा 6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानानां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरद्वयस्य अथ भारतीय कौशल संस्थान सन्निभानां महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान परिसराणां उद्घाटनं लोकार्पणं च कृतवान्। तत्रैव प्रधानमंत्री उपत्यकायां प्रथमं तावत् संगलदानस्थात्रतः बारामूलास्थात्रं यावत् हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं रेलसेवां समारब्धवान्। एताः रेलपरियोजनाः संपर्क सौविध्ये परिष्कारं करिष्यन्ति, पर्यावरणस्थिरतां सुनिश्चेष्यन्ति अथ क्षेत्रस्य समग्रार्थिक विकासमपि समेधयिष्यन्ति।
एतदनन्तरं कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू कश्मीरस्य सार्धैक सहस्र कर्मचारिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। सममेव सः विकसित भारत विकसित जम्मू इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं विभिन्नानां प्राशासनिक योजनानां लाभार्थिभिः समं संवादमपि कृतवान्। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये 370 की ताकत देखिए, 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अंडमान निकोबार द्वीप इत्यत्र यात्रायाम अस्ति। अत्रांतरे राष्ट्रपतिवर्या देशस्य दक्षिणवर्ती भागम इंदिरा पॉइंट इति अंतिमं स्थलं संप्राप्य त्रिसेवा दलस्य सैनिकैः समं संवादं कृतवती। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः गतदिने प्रथमं तावत् अरुणाचल प्रदेशस्य ईटा नगरं प्राप्तवान्। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः अरुणाचल प्रदेशस्य 38 स्थापना दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां समाचरितवान्। एतस्मिन् अवसरे सः अरुणाचल प्रदेशस्य सांस्कृतिक रिक्थं भृशं प्रशंसितवान्। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में भारत का प्रतिबिंब है। आई प्लेजेंटली गैदर्ड द प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अक्टूबर 2018 को 49th एपिसोड था, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की मिशमी कम्युनिटी का ट्रेडिशन क्या है। उनका ट्रेडिशन है कि उनकी टाइगर के साथ खास रिलेशनशिप है, दे आर इन टच विद टाइगर्स। ये कहीं और नहीं उदाहरण मिलेगा। दिस एग्जेम्प्लीफाइज को एग्जिस्टेंस जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कृषकाणाम् आन्दोलन कारणेन सामान्याः जनाः समस्याः सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। एतन्मध्ये पंजाब हरियाणा राज्ययोः सीमायां प्रवर्तमानं कृषकान्दोलनम् आलक्ष्य मंगलवासरे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इत्यत्र वादश्रवणम् अभवत्। वादश्रवण प्रसंगे न्यायालयेन उक्तं यत् मोटर व्हीकल एक्ट इत्यस्य अनुसारं राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यस्य प्रयोगः नैव कर्तुं शक्यः। उच्चन्यायालयेन कथितं यत् कृषकाः बसयानेन उत अन्य साधनैः अपि दिल्लीं गन्तुं शक्नुवन्ति। कृषिमन्त्री अर्जुन मुण्डाः उक्तवान् यत् कृषक संघटनैः समं शान्तिस्थापनार्थं निवेदनं कृतमस्ति। सः उक्तवान् यत् सर्वे शान्तिं कामयन्ते, अस्माभिः सम्मिल्य समस्यायाः समाधानम् अन्वेषणीयमस्ति इति। पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान के तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह वार्ता यह संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। संदेश खाली प्रकरणम आलक्ष्य संघर्षः जायमानः अस्ति। भाजपा दलेन पुनरेकवारं कथनावृत्तिः कृता यत् पश्चिम बंगाल राज्ये महिलाः सुरक्षिताः न सन्ति। न्यायालयस्य हस्तक्षेपानन्तरं विपक्षनेता सुवेन्दुः अधिकारी भाजपा दल विधायकः च शंकर घोषः घटनास्थलं निरीक्षितवन्तौ।
सुवेन्दु अधिकारी तत्रैव उक्तवान् यत् सन्देशखाली इत्यत्र सर्वे कथयन्तः सन्ति यत् पश्चिम बंगाल राज्यात् ममता प्रशासनम् अपगच्छेत् इति। पाकिस्ताने नव प्रशासन संघटनार्थं नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी इति दलयोः मिथः सहमतिः संजाता। एतदनु नवाज शरीफ दलस्य प्रमुखः शहबाज शरीफः प्रधानमन्त्रिणः पदभारं संभालयेत्। यद्यपि बिलावल इत्येतस्य पिता आसिफ अली जरदारी इत्येषः पुनः एकवारं राष्ट्रपतिपदभारं संभालयेत्। दलद्वयेन अपि संयुक्तं वार्ताहरसम्मेलनं समाचार्य उक्तघोषणा कृता। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संदेशखाली प्रकरणे ममता प्रशासन विरुद्ध वाक् प्रहारान् कृतवान्। अनुराग ठाकुर उक्तवान् यत् संदेशखाली इत्यत्र जाता घटना समग्र देशे मानवतायै लज्जा विषयः अस्ति। अथ ममता प्रशासने तस्याः आधिपत्ये च पत्रकाराणां महिलानां च ध्वनिमर्दनं क्रियते इति। FIH हॉकी प्रो लीग इति प्रतियोगितायां अद्य भारतीय पुरुष हॉकी इति दलस्य सामुख्यं नीदरलैंड्स इति दलेन समं भवेत्। ध्येयं यत् अत्र प्रतियोगिता क्रमे खेलिते द्वन्द्वे भारतेन स्पेन दलं पराजित्य रोमांचकः विजयः प्राप्तः आसीत्। अद्य प्रभृति आयोजयिष्यमाणायाः खेलो इंडिया इति प्रसिद्ध शीतकालीन प्रतियोगितायाः चतुर्थं संस्करणं आयोजयितुं गुलमर्ग स्थलं सजवं सज्जम् अस्ति। अत्र प्रतियोगितायां विंशति राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च प्रायः 1,000 क्रीडकाः, अधिकारिणः, सहायक कर्मचारिणः च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर की